ओके सो सीसीएन ने एडिड कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की इस प्लेलिस्ट में जो लास्ट वीडियो है उसमें हम बात कर लेते हैं टेराफॉर्म के बारे में। सो टेराफॉर्म क्या है? तो एक्चुअली ये कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं वीडियो में। टेराफॉर्म को समझने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें पहले समझनी पड़ेंगी। तो एक तो समझना है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर समझना है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, देन ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। ये तीन चार चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो यार कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हो। ठीक है, मान लो एक एप्लीकेशन है कोई भी, आप अपनी मैं अपनी नेटवर्क नगेट्स की कोई फाइल वो बनाना चाहता हूँ, वेबसाइट। ठीक है, वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ। तो वो वेबसाइट दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं अपने लेट्स से ऑफिस में, अपने घर पे, जो भी मैं बोलूँ वहाँ पे एक सर्वर बना लूँ, वहाँ पे वो होस्ट कर लूँ। इनिशियली यू नो बहुत कम लोग विजिट करने वाले हैं, तो मेरा लेट्स से थोड़ी सी रैम, थोड़ी सी हार्ड ड्राइव और नॉर्मल सीपीयू से काम चल जाएगा। यू नो सिंपल अगर मैं एक पीसी को भी सर्वर बना लूंगा, नॉर्मली i7 वगैरह को चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मान लो महीना, दो महीने, तीन महीने, छः महीने में यूज़र बढ़ रहे हैं, है ना, ट्रैफिक बढ़ रही है सर्वर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और लेट्स से सीपीयू और आपकी रैम और हार्ड ड्राइव वो सब ऐड करते जाना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, और क्या ऐड हो सकता है? मान लो मेरे को सिक्योरिटी की भी टेंशन है कि भाई मेरी वेबसाइट हैक ना हो जाए, तो मुझे फायरवॉल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, मेरे को अब मैं घर पे नहीं हूँ, लेट्स से 24/7 मेरे को अपनी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करनी है, तो मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे वो सब कुछ मेंशन है कि अब आपको, अब मेरे को डेटा स्टोर कराना है और बहुत सारा डेटा है जिसको एक्सेस करें लोग, ये कोर्स वो कोर्स, उसमें ये कंटेंट हो, तो डेटाबेस सर्वर भी लगाने पड़ेंगे आपको, डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, एसक्यूएल और वो सब। तो ये जो पूरा तामझाम है इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नीड होता है आपको बैकएंड पे वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह चलाने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब समझना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है। मैं बोलूं कि मान लो अब मेरे को ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पे 6 महीने बाद इतनी ट्रैफिक होगी कि मेरे को 10 सर्वर, साल भर के बाद इतना होगा कि मेरे को लेट्स से 100 सर्वर, फिर 2 साल में 200 सर्वर। आप समझ रहे हो ना, ऐड करना पड़ रहा है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो एडिशन अगर आप मैनुअल करो, ठीक है ना, जैसे स्पेशली फॉर क्लाउड अगर हम समझे कि अब अगर मैं इसको अपना प्रीमिसेस पे नहीं कर रहा, बिकॉज हम ऑलरेडी सब चीजें कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्लाउड पे, और दैट इज द रीजन व्हाई यू नो टूल्स लाइक टेराफॉर्म आर सो पॉपुलर। 176 नंबर पे आई गेस हमारी वीडियो है क्लाउड के बारे में, उसमें मैंने क्लाउड सॉल्यूशंस, ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशंस सब बताए हुए, एक बार पढ़ लेना, वहां से फिर ये ज्यादा सेंस बनेगी टेराफॉर्म वाली वीडियो की। बट अगर नहीं भी है फिर भी समझ लो, आ जाएगा समझ में। नाउ क्लाउड पे, अगर थोड़ा सा क्लाउड के बारे में नहीं बिल्कुल ही पता है ना आपको, तो आप सिंपली जाओगे अगर गूगल पे ना, और लिखोगे फ्री टीयर अकाउंट AWS। ठीक है ना, अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, आप बाकियों के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप वहां पे जाओगे, सिंपली पहले ही लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो उस पे आएगा आपका क्रिएट अ फ्री अकाउंट। अगर मैं और पीछे जाऊँ तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सिंपली क्या लिखा, AWS फ्री टीयर अकाउंट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो करके देखने के लिए, तो फ्री टीयर अकाउंट बना लो। क्रेडिट कार्ड से बनाया था मैंने, बट आई गेस अब डेबिट कार्ड से बन जाता है, ट्राई कर लेना। तो मेल डालनी पड़ेगी, वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, एंड यू विल गेट एन अकाउंट एक्टिवेटेड। ठीक है ना, बट उससे होगा क्या, जैसे ही तुम्हारा एक बार अकाउंट बन जाएगा तो तुम लॉग इन कर लोगे अपने AWS कंसोल में, ठीक है ना, बाय यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स। तो ऐसा सा एक इंटरफेस रहेगा डैशबोर्ड का, ठीक है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन है और ये सब कुछ है। बट अभी मेरे को जो बताना है वो है, ये देखो ऐसा एक अकाउंट बनेगा, आईडी मिलेगी आपको, और आपकी कुछ बिलिंग की और क्या सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी आपकी बातें हैं, अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, इसको भी थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये इंटरफेस चेंज होता रहता है, वो आप देख लेना, बट आई गेस दिस इज द लेटेस्ट वन। यहाँ पे कंप्यूट है, कंप्यूट में EC2 है, वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। अगर आपको वर्चुअल मशीन्स बनानी है अपने क्लाउड पे, अपने सर्वर्स बनाने क्लाउड पे, तो आप एक एग्जांपल AWS का है, ऐसे और एग्जांपल आपका Azure है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का है GCP, और अलीबाबा और Oracle सबके क्लाउड है, जो भी आप चुनो, इंटरफेस मेनली सेम सा ही रहेगा बेसिक तो, बट हाँ टर्मिनोलॉजी हर किसी की क्या होती है अलग। मान लो तुमने Amazon को चुना है अपना क्लाउड प्रोवाइडर, अपनी जो वेबसाइट ऐप है वो Amazon पे होस्ट करनी है तुमने,
ठीक है, तो तुम यहाँ से वर्चुअल सर्वर वगैरह बनाओगे। तो एक सर्वर बना दिया, दो सर्वर बना दिए, चलो ठीक है। लेकिन अगर एंटरप्राइज लेवल की बात करो, 100 200 सर्वर्स बनाने, तो भाई बड़ी दिक्कत है। पहली बात तो ये, फिर उसकी सर्विसेज इनेबल डिसेबल करानी, कुछ एडिट कराना, मॉडिफाई कराना, डिलीट कराना, फिर ऐड कराना। और ये तो एक क्लाउड की बात है। ऐसे ही आपको मान लो आपकी कंपनी में 3 4 5 क्लाउड के ऊपर काम हो रहा है, हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, तो फिर सबको मैनेज करना तो ये एक सरदर्दी हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, ऑटोमेशन इतना पॉपुलर क्यों है, फॉर द सेम रीजन। नाउ अब ऑटोमेशन इस चीज में कहां से हम डालें, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, इस जरूरत को समझते हुए, खैर अमेजोन ने अपना एक सोल्यूशन दे दिया कि भाई अगर तुम ऐसा करना चाहते हो ना भाई, तुम्हें वो ग्राफिकली वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें एक छोटा सा कोड दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करो, वो अप्लाई करो, और आपकी 100 मशीनें 200 मशीनें विद योर डिजायर्ड सर्विसेज जो भी आप चाहते हो वो बन जाएंगी अपने आप, यू नो, ऑटोमेटेड चीज। जैसे अगर आपको याद हो एनसीबल पढ़ा था मैंने, पपेट शेफ, ये सब क्या थे, ये भी ऑटोमेट कर रहे थे, बट आपकी किसको, कॉन्फिगरेशन को, राउटिंग आपकी, यू नो, आईपी एड्रेसिंग, डीएनएस सेटिंग्स, ये सब कुछ हम पढ़ा था हमने ऑलरेडी। तो वही काम अगर आपको वर्चुअल मशीन्स के लेवल पे करना है तो एक प्लेटफॉर्म है टेराफॉर्म। तो व्हाट टेराफॉर्म अलाउज यू टू ऑटोमेट ऑल ऑफ योर क्लाउड सॉल्यूशंस, क्लाउड यू नो डिप्लॉयमेंट, प्रोविजनिंग फॉर एवरी क्लाउड प्रोवाइडर, तो दैट इज टेरा। तो टेराफॉर्म क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। इसलिए हमने क्या बोला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है तुम्हें, बट ग्राफिकली मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली एंड फॉर एवरी प्रोवाइडर। यू कैन सी हियर, जैसे आप रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा कि इसमें ये इतने सारे प्रोवाइडर। अच्छा, ये मेन स्क्रीन आएगी, यहाँ से ब्राउज प्रोवाइडर पर क्लिक करोगे, फिर ये प्रोवाइडर्स आएंगे। तो ये आप देख लो, अलग अलग तरह के आपको, लेट्स सी, मोर देन यू नो 100 क्लाउड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उससे भी ज्यादा ही होंगे आई गेस। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड टेराफॉर्म। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, तो आई गेस अब ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट में ऑटोमेशन लाना फॉर एवरी क्लाउड प्रोवाइडर इज वेयर यू नो आपका टेराफॉर्म कम इंटू पिक्चर। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो टेराफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आपको बना के दे रहा है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो बट कोड्स की हेल्प से, यू नो, ऑटोमेटिक। नाउ ऑटोमेशन में दो तरह के टूल आते हैं, देखो अब ये भी समझना जरूरी है क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन होती हैं काम करते हुए इंडस्ट्री में। तो दोनों तरह के टूल मिलेंगे तुम्हें, एक तो हमने एनसीबल, पपेट शेफ और वो सब पढ़े थे, अभी हम टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं। सिस्को ने पपेट और शेफ हटा दिया है बिकॉज अब मेजरली लोग कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, एनसीबल, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बातें हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। और टेराफॉर्म फिर किस कौन सा टूल हुआ तुम्हारा, वो कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल नहीं है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। मैंने तुम्हें बताया कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, क्लाउड पे जो तुम्हारी प्रोविजनिंग है ऑफ वर्चुअल मशीन एंड ऑल, उसको ऑटोमेटिक बना रहा है। स्केलेबल होता है ये, स्केलेबल क्यों, चाहे जितने मर्जी क्लाउड पे जितना मर्जी तुम्हें वर्चुअल मशीन ने सर्विस ऐड करनी हो, फटाफट से बाय सम चेंजेस इन द स्क्रिप्ट एंड यू कैन डू। तो वन टाइम मेहनत होती है, उसके बाद आपका सारा इजी प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होते हैं, एंड देन आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। तो एनसीबल कहाँ आता है, पपेट शेफ वगैरह, वो सीएमटीज है। अच्छा टेराफॉर्म है, अच्छा अपना जैसे मैंने बताया ना, तुम्हारा अमेजोन ने अपना सॉल्यूशन बनाया था ऐसे ऑटोमेशन के लिए, वो था क्लाउड फॉर्मेशन। ऐसे ही हर कंपनी का अपना था, पर तुम्हें वो सीखने की जरूरत नहीं है, तुम टेराफॉर्म सीख लो और तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू बोल सकते हो कि भाई मेरे को टेराफॉर्म आता है, तो मुझे बाकी 10 अलग अलग प्रोवाइडर के 10 अलग अलग से ऑटोमेशन टूल सीखने की जरूरत नहीं है। आपको काम क्या चाहिए, डिप्लॉयमेंट ना, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, तो दैट आई कैन डू विद द टेराफॉर्म, तो दैट्स इट। ऑलराइट, अब इसमें देखो यही मैं बता रहा था कि आईएसई टूल्स जो अलग अलग हैं सबके, बट मेन मेन हमारा कौन सा है, टेराफॉर्म। ये हैशीकॉर्प एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये टूल है। क्लाउड फॉर्मेशन अपना AWS का है, ऐसे ही आपको उसका ही मिल जाएगा, तुम्हारा आर्म टेम्पलेट करके आएगा आता है एज्योर का, ठीक है ना। एनसीबल को भी आप आईएसी टूल यूज कर सकते हैं, प्रेफर नहीं करते इसको, हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ही एक तरह से बोलते हैं कि भाई चाकू का काम चाकू ही करे तो अच्छा है ना, ब्लेड ना करे, काटना है कुछ कट तो ब्लेड से भी जाएगा, बट चाकू जिस तरह से आपको क्वालिटी और वो सब देगा तो ब्लेड से नहीं मिलने वाली ना, ब्लेड से हो सकता है हाथ ही काट लिया, और चाकू तो बच्चा भी कर सकता है यूज, ब्लेड से बच्चा नहीं कर पाएगा। वो सारी बातें हैं कि भाई एनसीबल को तुम रहने दो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल की तरह, और टेराफॉर्म को यूज़ कर लो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की तरह। बट कुछ काम है आपके जो
वो कर सकता है आईएसी के एनसीबल, इसलिए थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ बात लिखी हुई है हमने इंटरेस्टिंग, एक एनसीबल के बारे में देख लेना। ये मैं जो अपडेटेड पार्ट है एनसीबल का, आप सोचो पुरानी जो हमने वीडियोस थी उसमें मैं आई गेस बताया था मैंने, ये रेड हैट का सोल्यूशन है, बट नाउ इट इज ऑफ आईबीएम और ये फ्री है, ठीक है ना, ओपन सोर्स। और जो तुम्हारा टेराफॉर्म है उसकी भी एक यही खासियत है कि वो फ्री है, ओपन सोर्स है, एनीबडी कैन यूज दैट, यू नो, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ देखो फर्क आ गया दोनों का, कि जो तुम्हारे आईएसी टूल्स यूज होंगे वो सर्वर बनाने के लिए, मान लो तुमने 100 सर्वर्स बनाने थे AWS पे, बना दिए, अब उन वर्चुअल सर्वर पे कौन सी तुमने एप्लीकेशन डालनी है, किस तरह का वहां सर्वर बनाना है, मान लो तुम्हें विंडो सर्वर बनाना है या लिनक्स सर्वर बनाना है, लेट से IIS या अपाचे, वो या फिर उसके अंदर फिर आपको मान लो DNS की सेटिंग, IP की सेटिंग, राउटिंग की सेटिंग जो है वो करानी। तो दो अलग अलग काम हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब आप बात करते हो, पहला वर्चुअल सर्वर बनाना, फिर उसके आगे कॉन्फिगरेशन और एडिटिंग करना। तो जो तुम्हारे सर्वर बनाने तक के काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो पहला काम था वो करते हैं IAC टूल्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जो है टेराफॉर्म। फिर जो उसके अंदर, फिर आपको मान लो अब तुमने एक सर्वर बनाया, उस पर एक सॉफ्टवेयर डालना है, उस पर IP डालनी है, वो करते हैं कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल्स लाइक एनसीबल। सो आई होप दैट मेक सेंस। तो दिस इज अबाउट टेराफॉर्म, एक मेजरली यूज्ड डेक्लेरेटिव ओपन, मेजरली यूज इसलिए लिखा है क्योंकि इवन AWS वाले भी अपना क्लाउड फॉर्मेशन टूल ना यूज करके टेराफॉर्म ही यूज करते हैं, तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, है ना। डिक्लेरेटिव होता है भाई, देखो जो तुम्हारा उससे ना, उसी से समझ लेते हैं कि जो क्लाउड फॉर्मेशन टूल है अगर तुम वो यूज करते हो तो उसका फायदा नुकसान यहाँ से भी पता चल जाएगा, व्हाई पीपल आर यू नो सो क्रेजी अबाउट टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म, चलो क्लाउड फॉर्मेशन की बात करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन होता है एक इंपरेटिव टूल, तुम्हें उसमें ना बिल्कुल पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अच्छा सबसे पहले क्या जरूरी है तुम्हें, एक EC2 इंस्टांस बनाना, उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, मान लो तुम्हें लेट से CPU देना, लेट से तुम्हें फिर RAM देना, फिर तुम्हें उसमें हार्ड ड्राइव देना, फिर तुम्हें इसके ऊपर क्या करना, ये चीजें, फिर नेटवर्किंग करानी है, फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी डालनी है, वो सब कुछ। अब अगर तुम इसमें सिक्वेंस नहीं रखोगे ना, मान लो तुमने हार्ड ड्राइव नहीं ली और पहले क्या ले लिया तुमने, ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे डाल लो, हार्ड ड्राइव पे डलेगा ना। तो इंपरेटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंस में चलेगा, नहीं चला तो मशीनें नहीं बनेंगी, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव टेराफॉर्म ये क्या करेगा भाई, तुम बता दो क्या क्या करना है। अच्छा एक तो ये OS डालना है, ठीक है, इतनी हार्ड ड्राइव लेनी है, ठीक है, बता दिया। अब वो सीक्वेंस में लगाना, ऑर्डरिंग करना, वो सब उसका काम है, तुम्हें अपना एंड गोल बताना है, उसको रिजल्ट क्या चाहिए, एंड वो तुम्हें अपने आप कॉन्फिगरेशन करके दे देगा, उसका काम है। सो दैट इज द पावर ऑफ टेराफॉर्म, ठीक है, हैशिकॉर्प है, और ये जिस लैंग्वेज पे काम करता है उसको HCL बोलते हैं, हैशिकॉर्प लैंग्वेज, नॉट हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। देन बेनिफिट्स क्या है आपके, सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट करता है। वर्जन कंट्रोल मैंने आपको एनसीबल में भी बताया था कि आप मान लो उसमें मैंने आपको वो ग्रीन रेड वो दिखाए थे कि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप डिलीट करते हो, ऐड करते हो, तो सबका हिस्ट्री रहती है आपके पास, आप बिल्कुल ये बता सकते हो कि भाई क्या था पहले मेरे डिवाइस की स्टेट, अब क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या थी, एंड यू कैन यू नो मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल कि भाई किस अकाउंट से कौन से चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पे भी वही रहता है, इसमें स्टेट बनती है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जब आप एक्चुअली अगर कभी टेराफॉर्म पे काम करो तो स्टेट के ऊपर बहुत सही बातें मिलेंगी तुम्हें। तो स्टेट होता है भाई तुम क्या चाहते थे रिजल्ट अपना टेराफॉर्म से, और अभी क्या चल रहा है, दोनों मैच कर रही है नहीं कर रही है, कितने डिविएशन है, और वो उसको बिल्कुल हिस्टोरिकली स्टोर करके रखेगा। ऐसे आज तुमने बनाई, एक साल बाद अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें एक साल पहले की स्टेट के रिकॉर्ड भी मिलेंगे। तो दैट इज यू नो समथिंग अबाउट टेराफॉर्म। तो वर्जन कंट्रोल बाय मेंटेनिंग स्टेट, मॉड्यूल यूज करता है ये। मॉड्यूल क्या होगा, जब तुम एक बार वीडियो देखना ना कि हाउ टू यूज टेराफॉर्म इन यू नो क्लाउड ऑटोमेशन, तो वहां पे तुम्हें ऐसे ना रिसोर्स मिलेंगे। अगर तुम्हें याद हो एनसीबल में मैंने तुम्हें बताया था कि की वैल्यू पेयर होते थे, लेट से राउटर 1 पे एक IP एड्रेस डालनी है, इंटरफेस FA0x0 पे 10111, ठीक, ये किसके लिए है तुम्हारा, तुम्हारी पहले राउटर के लिए, फिर ऐसे ही तुमने राउटर 2 के लिए, राउटर 3 के लिए, ये सब क्या है तुम्हारे ना उसमें डिफाइन होते थे ऑब्जेक्ट्स में, एनसीबल के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते थे, यहाँ पे ऐसे ही होते हैं तुम्हारे मॉड्यूल्स, ठीक है ना। मैं शायद रखा है मैंने लिंक ओपन करके, ये देखो इस तरह से होता है, तो ऐसे ही काम होता है तुम्हारे। लेट मी ट्राई टेराफॉर्म
फॉर्म मॉड्यूल एग्जाम्पल। ये देखो ठीक है ना, इस कौन सा ओपन करूं मैं, ये वाला ले लो। ठीक है, ये तो इसकी वो एक्सटेंशन किस पे काम करता है, ये देख लो यहाँ पे। जैसे AMI है ठीक है ना, ये सर्विस है आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना रहा है ये IIS, ठीक है, AWS इंस्टांस EC2 एग्जांपल। तो ये दिख रहा है, ये इसके अंदर ये दिख रही है ना कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ये तुम्हारा मॉड्यूल है। तो जो काम करना होता है ना वो मॉड्यूल्स के अंदर, और तुम इसको ऑटोमेट कर सकते हो। मान लो तुमने अब ये AWS के लिए ना यूज करके Azure के लिए करना है, तो बस यहाँ पे AWS हटा दो, ठीक है ना। ये जो नाम जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी वो आप यहाँ यूज कर लो, बाकी ये ID तो वही रहेंगी, ठीक है ना। तो कुछ चीजें चेंज करके और वन टाइम आप फिर उसको बार 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 बार, दीज मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू नो रियल ऑटोमेशन, कि आप इनको रीयूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। तो दैट इज यू नो द पावर ऑफ टेराफॉर्म यूजिंग मॉड्यूल्स किसी भी टूल के साथ। आप एनसीबल के साथ इसको यूज कर सकते हो। मान लो तुमने क्या किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड बना दिया, कि जो सर्वर बनाना था ना वर्चुअल सर्वर वो बना दिया, किसका यूज करके, तुम्हारे टेराफॉर्म का यूज करके, ठीक है। अब टेराफॉर्म अब एक API कॉल करेगा किसको, आपके एनसीबल को, बिकॉज वो इंटीग्रेटेड है उसके साथ प्लगइन के साथ। और वो कहेगा कि भाई जो तुम्हें काम करना है अब इस पे, लेट्स से विंडोज सर्वर बनाना है या लिनक्स सर्वर बनाना है, वो डाल दो यहाँ पे। तो ये दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं, राइट। एक्सटेंसिबल होता है, आप एक्सटेंसिबल, जैसे मैंने IPv6 के बारे में बताया था, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि भाई आप फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नीड आई आपकी, भाई ये काम भी मेरे को इस टूल से कराना है, इस टेक्नोलॉजी से कराना है, तो एक प्लगइन बना दो एक यू नो छोटा सा और इंटीग्रेट कर दो, और वो आप उसके साथ वो काम उससे ले पाओगे आप, ठीक है। आई गेस प्लगइन सबको पता होगा, ब्राउजर्स में हम प्लगइन यूज करते हैं, ठीक है ना। और सीखना आसान है भाई, सच में सीखना AWS इसको, टेराफॉर्म को मैंने कभी नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है जब सिस्को में ये ऐड हुआ है पिछले हफ्ते से। जैसे मैं बता रहा था ना लास्ट वीडियो में भी, कि मैं जो ये हफ्ता है मैंने सिर्फ टेराफॉर्म और जो हमारी AI और वो सब उसी के बारे में पढ़ा है। तो इट वॉज रिलेटिवली ईजी टू लर्न टेराफॉर्म अकॉर्डिंग टू AI एंड ML। तो ये वीडियो का कंटेंट बनाना उससे ज़्यादा आसान था। तो आप समझ सकते हो कि लर्निंग टेराफॉर्म थियोरेटिकली भी है और मैंने प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत करके देखा है, तो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है। प्रोवाइडर्स रिसोर्सेज मॉड्यूल्स एंड स्टेट, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। एंड प्रोवाइडर तो वही है, जैसे आप यहाँ जाओगे ना अपने यहाँ पे, तो प्रोवाइडर तो यही है कि कौन से प्रोवाइडर यहाँ पे सपोर्टेड है, किस पे आपको काम करना है। तो एक बार तो आपको चूज करना ही पड़ेगा भाई आपको किसको ऑटोमेट करना है, लेट से Azure को करना है या फिर आपके AWS के क्लाउड को करना है, तो यहाँ से आप चूज करोगे। तो उसके हिसाब से फिर डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे मॉड्यूल आएंगे भाई, उसमें कॉन्फिग्रेशन के लिए क्या कमांड है, क्या स्क्रिप्ट आएगी, और लेट से इस अलग तुम्हारा जो प्रोवाइडर है उसमें ऑटोमेशन के लिए क्या स्क्रिप्ट आएगी, ठीक है ना। वन टाइम मैंने बोला वो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप उसको मॉड्यूल्स को आपकी क्या कर सकते हो, बार 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 यूज करने के लिए रख सकते हो। स्टेट मैंने तुम्हें बता ही दिया है, व्हाट आर स्टेट्स, स्टेट रिप्रेजेंट योर यू नो कैसा आपका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, कैसा था, कैसा चाहते हो, तो उसके हिसाब से यू नो सारी स्टेट एक फाइल में मेंटेन करी जाए। और जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना टेराफॉर्म को, तो दो सोल्यूशन मिलते हैं भाई। ये जो स्टेट फाइल है, तो तुम अपना मान लो टेराफॉर्म को अपने नॉर्मल PC लैपटॉप से भी चला सकते हो ऑन प्रेमिसेस, एंड आप अपने क्लाउड से भी टेराफॉर्म की सर्विस को चला सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो स्टेट की फाइल है वो क्लाउड पे मेंटेन होगी। मान लो तुम्हारा लैपटॉप भी अगर करप्ट हो गया तो तुम्हारी स्टेट फाइल गई, गड़बड़ होगी, लेकिन अगर क्लाउड पे था तो वहाँ स्टोर है, तुम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कंपनीज में, रियल एनवायरमेंट में, इंडस्ट्रीज में आपको क्लाउड पे ही मिलेंगी ज़्यादातर सारी चीज़ें। ये कुछ बातें एग्जाम के लिए लिखी हुई है मैंने भाई, अगर टेराफॉर्म के बारे में कुछ इन केस आता है, बिकॉज अभी इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज नया एक टॉपिक है, बुक्स भी नहीं आई हैं इसकी अभी तक, तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका डालने की कोशिश करी है। बट फिर जब बुक वगैरह आ जाएंगी पढ़ के देख के भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इसको, हमसे किस लेवल का टेराफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, सेम फॉर AI एंड ML। तो अगर कुछ लगा ना कि भाई हाँ कुछ और ऐड करना है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट फॉर नाउ दिस इज द कंटेंट। तो टेराफॉर्म के वर्कफ्लो की चार चीज़ें हैं, बिल्कुल ईजी सी है समझनी, राइट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे हटाने को डिस्ट्रॉय बोलते हैं, क्योंकि डिलीट ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्रिएट करना, स्क्रिप्ट्स बनाना, वो सब राइट का पार्ट है। स्क्रिप्ट्स को एक बार चेक कर लेना
आपका एक्चुअल डिप्लॉय करने से पहले वो प्लान का पार्ट अप्लाई कर देना मीन्स एग्जीक्यूट कर देना एंड डिस्ट्रॉय ऑलरेडी बनी हुई स्क्रिप्ट है मॉड्यूल्स है उनको चेंज करना है तो दैट इज यू नो डिस्ट्रॉइंग पार्ट रिसोर्सिस को हटाना नोड मॉड्यूल्स। नेटवर्किंग में क्या है भाई देखो अब नेटवर्क यहाँ पे हमारे काम की चीज आती है जिसके लिए सिस्को ने टेराफॉर्म को डाला है एक्चुअली आईएएस। तो वो कहते हैं कि जो नेटवर्क इंफ्रा तुम बना रहे हो वो अब क्लाउड पे चलता है ठीक है ना वर्चुअलाइज्ड आप सॉल्यूशन यूज कर सकते हो नेटवर्किंग के भी फायरवॉल है आप वर्चुअली यूज कर सकते हो स्विचेज राउटर्स हैं आप वर्चुअली यूज कर सकते हो। मैंने ऑटोमेशन नहीं कौन सी थी वो एसडी वैन की जो मेरी सीरीज है सीसीएनपी वाली सॉफ्टवेयर डिफाइंड वायर्ड एरिया नेटवर्क वहां पे मैंने इसके बारे में काफी बताया हुआ है कौन से वर्चुअल राउटर कौन से वर्चुअल स्विचेज वर्चुअल फायरवॉल्स एंड ऑल। बट यस वो अगर आपको ऑटोमेट करनी है चीजें तो यू कैन यूज टेराफॉर्म। सो द आइडिया इज सेम ठीक है ना। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स बना जैसे फायरवॉल आपकी अपनी कंपनी में उसमें रूल बनाने हैं तो आप खुद बनाओगे आपने फायरवॉल क्लाउड से आपकी प्रोविजन करवा रखी है उसमें रूल्स बनानी है तो आप टेराफॉर्म यूज कर लो। सेम चीज फॉर लोड बैलेंसर एंड योर राउटिंग राउटर्स एंड स्विचेस। सो दैट्स इट आई गेस एंड आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल द सेट ऑफ द वीडियोज ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव प्लीज यू नो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। And I guess this is it for this section, this, you know, series. And I'll see you guys in some other series, maybe the next course that we'll be starting on, you know, let's decide. Maybe firewall or something. ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली सीरीज अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए। सजेशन, फीडबैक, यू नो, कंप्लेंट्स वगैरह जो भी है, प्लीज पुट इन द कमेंट्स। आई रियली वेट फॉर दैम। सो बाय बाय एंड थैंक यू।